Hi, welcome to episode 2 of trying Shark Tank India featured products. Episode 1 आपको बहुत पसंद आया था, which is why episode 2 is also right here. So, सबसे पहला brand that I want to show you is one जो already हमारे profile पे बहुत ज़्यादा loved है. That is Modern Myth. Now, when I was browsing through Modern Myth का website, उनके trunks सबसे ज़्यादा stand out कर रहे थे because not only were they like the vintage feel, but the prints were also very fresh and very bright. इनकी डिटेलिंग भी रोज गोल्ड गोल्ड सी थी, तो एक बहुत ही लग्जूरियस फील आ रहा था फ्रॉम देयर डिजाइनिंग. नाउ व्हेन इट केम आई वाज सो डैम इम्प्रेस्ड बाय इट, क्योंकि ये क्विल्टेड है, कुशन्ड है बाहर से, सो इट वाज आल्सो वेरी कंफर्टेबल टू होल्ड ऑन टू. देयर इज अ डबल लॉकिंग सिस्टम, दोनों साइड पे मैग्नेट्स है एंड बीच में देयर इज द स्विस लॉक, द नंबर लॉक. ये बटन को आपको लेफ्ट साइड क्लिक करना है, सो दिस ओपन्स अप एंड देन अनडू द मैग्नेट एंड ऐसे आपका ट्रंक खुल जाएगा. सो यहाँ पे एक इलास्टिक पाउच है एंड देन देयर इज अ मेन कंपार्टमेंट हियर एंड साइड में देयर इज अ बेल्ट व्हिच मेक्स श्योर कि ट्रंक पूरी तरह से पीछे ना चली जाए एंड इट स्टेज अपराइट इवन व्हेन यू हैव केप्ट इट ओपन. इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है बिकॉज आई वॉज कैरिंग माई लैपटॉप इन अ लैपटॉप पाउच, बिकॉज अंदर से कुशन नहीं है, सो द लैपटॉप पाउच, द लैपटॉप, टू हार्ड ड्राइव्स एंड ऑल माई चार्जर्स फिट इन टू दिस. तो मैं एक्चुअली इसको यूज़ करती हूँ व्हेन आई ट्रैवल एंड जब मैंने एयरपोर्ट फोटो डाली थी ये वाली, तब ऑल ऑफ यू लव्ड इट अ लॉट. मैं इसको 10/10 रेट कर रही हूँ बिकॉज आई लव्ड इट अ लॉट. इस ट्रंक के साथ एक डस्ट बैग भी आई थी, सो यू कैन स्टोर इट प्रॉपरली. इसका MRP लिस्टेड ऑन द वेबसाइट इज 7000 बट वी गॉट इट फॉर 2700, जो अभी भी वही ऑफर पे चल रहा है. मैंने इनसे एक और चीज मंगवाई थी बिकॉज आई फाउंड दिस बैग ऑल्सो वेरी वेरी यूनिक. मुझे इसे अतरंगी पीसेस स्टाइल करना और कैरी करना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इट जस्ट एड्स टू माई पर्सनैलिटी. एक सिंपल आउटफिट को एलिवेट करने वाले जो भी एक्सेसरीज होती है, दैट इज माई स्टाइल. ओपन लाइक दिस और अंदर एक छोटा सा पाउच आता है. सो पर्सनली आई फील लाइक ये पाउच ना काफ़ी छोटा है कंपेयर टू व्हाट इट कुड हैव कम इन. इसकी कैपेसिटी इज़ वेरी वेरी स्मॉल एंड दिस बैग इज़ क्वाइट बिग, तो आई थिंक ये पाउच और बड़ा होता तो मैं ज़्यादा इन्जॉय करती इस बैग को. इट्स लिस्टेड फॉर 3500 बट हमें तभी भी 1300 का मिला था और अभी भी इट्स रिटेलिंग फॉर 1300 ओनली ऑन द वेबसाइट. अलॉन्ग विद द बैग्स वी आल्सो गॉट टू पाउचेस फ्री. इफ दे लॉन्च मोर यूनिक बैग्स इन द फ्यूचर, आई सी माई सेल्फ बाइंग फ्रॉम देम. फॉर द सेकंड ब्रांड, यू नो कि मैं मेरा किचन रेनोवेट कर रही हूँ, दैट्स व्हेन वी एंडेड अप ऑन द ब्रांड कॉल्ड रेयर प्लैनेट एंड द डिजाइंस ऑन देयर कॉपर ग्लासेस एंड कॉपर बॉटल्स वर सो ब्यूटिफुल, एस्पेशली द वाइट बैकग्राउंड विद लीव्स एंड फ्लावर्स on it and the fox print, but almost everything was just sold out jab hum browse kar rahe the and the annoying part was ki jab hum dekh rahe the na tab wo clearly nahi distinctive tha कि वो अवेलेबल है चीज़ की नहीं है. तो इट टुक अस मोर देन 30 मिनट्स टू जस्ट फिगर आउट कि हमें ट्राई क्या करना है बिकॉज 60% थिंग्स तब सोल्ड आउट थे एंड फाइनली वी लैंडेड अप ऑन दिस कुल्हड़. फिनिशिंग इज माइंड ब्लोइंग एंड टॉकिंग अबाउट द मेन कुल्हड़ इटसेल्फ, ये बहुत स्टर्डी फील हो रहा है. वो मिट्टी का जो कप होता है ना, वैसा फील नहीं आ रहा एकदम. आई कॉन्ट सी इवन अ सिंगल स्क्रैच और डेंट ऑन दिस. साइज भी काफ़ी अच्छी है बट आई एम जस्ट नॉट श्योर ऑफ द प्राइस पॉइंट. वेल इफ इट्स एथिकली मेड ठीक है, बट I wish they had like more fun, more pastel, more happening designs. Right now this brand is on a 50-50 for me. I don't think I'll buy again until koi bahut hi sundar design ho jo main relate kar paun. I think ki wo designs kaafi exhibitions mein dekhi hui si thi and I hope they make the website better for customers taki clearly pata chal sake ki kya stock mein hai kya nahi hai aur process aur smooth ho jaye. Okay, now we have अ ब्रांड कॉल्ड बमर. इनकी पैकेजिंग बहुत ही क्यूट थी, लाइक लुक एट द एंटायर वाइब, द स्टिकिंग ऑन पॉइंट, लाइक ऑन ब्रांड फॉर देम. आई ऑल्सो थिंक द एडवर्टाइजिंग क्वाइट लॉट ऑन सोशल मीडिया, सो आई थिंक दिस वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लेट यू नो वट आई थिंक अबाउट देम. सो आई ऑर्डर्ड टू अंडरवेयर्स फ्रॉम देम. वन इज अ बॉय शॉर्ट्स. द आई नो सबसे पहले आपका ध्यान प्रिंट पे जाने वाला है एंड दैट इज़ वॉट देयर प्लेइंग एट. उनकी स्ट्रेंथ ही उनके कलरफुल क्वर्की प्रिंट्स है. And the first one is a space themed spaceship one, aliens one, and second one has like toaster and like breakfast one, that's eggs. First impression was ki this does not feel like a normal cotton undergarment. This is micro modal and normally main ye material ke night suits pehenti hu, so
आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि दे आर मेकिंग समथिंग डिफरेंट जो नॉर्मली अवेलेबल है मार्केट में, उससे तो कुछ अलग ही है, बट दैट ऑल्सो मीन्स कि पीपल आर नॉट रेडी फॉर दिस मटीरियल. तो अगर ये किसी को जम गया कम्फर्ट वाइज तो उनको ये बहुत ही जमेगा एंड दे माइट नॉट फील कम्फर्टेबल इन द नॉर्मल कॉटन ऑन द गार्मेंट्स. बट इफ दिस इज समथिंग दैट मेक्स यू स्वेट मोर, इफ यू डोंट फील कम्फर्टेबल इन इट, देन यू माइट नॉट लाइक enjoy wearing this. So मैंने इसलिए दो अलग अलग order किए थे to just see the difference between the two, and both are a micro modal material with an elastane mix. इनकी pricing is more and I think that's because of the new prints and especially the material. The hipster underwear was for 549-550 rupees and the boy shorts were for 600 rupees. Normally जब हम जॉकी या जिवामे ऐसे कोई normal brand से लेते हैं तब एक average price is 200 rupees approximately for an underwear. So पहले आई वुड रिकमेंड आप एक ही ऑर्डर करके देखना है, ओनली इफ यू रियली फाइंड कंफर्टेबल देन यू कैन ऑर्डर मल्टीपल्स. वन फन थिंग इज कि दे ऑल्सो डू मेन अंडरवेयर, तो यू कैन हैव मैचिंग अंडरवेयर विद अ पार्टनर इफ यू एंजॉय समथिंग लाइक दैट. दिस बॉक्स आई एम सो एक्साइटेड टू ओपन. द नेक्स्ट ब्रांड इज द क्वर्की नारी, और जब हम ये ऑर्डर प्लेस करे थे तब से मैं एक्साइटेड टू सी देम. आई हैव नॉट ओपनड इट एंड हम साथ में खोल के देखेंगे. देर अ पेयर ऑफ बीडेड स्लाइड्स with Netflix and chill written on it. Tell me, have you ever seen aisa footwear anywhere, be it a local market, be it like a high-end brand? I personally haven't, इसलिए मुझे ये बहुत बहुत ज़्यादा unique लगे. This looks like a popcorn box on it. The entire making of the shoe also feels very luxurious because the cushioning is thick and the inside part of the slide is also lined well. काफ़ी बार क्या होता है कि यहाँ पे अगर एक sharp edge होती है ना, बहुत चुभता है and it's not comfortable to walk. So this footwear was for 1,700 rupees, shipping 140 rupees लगी. I give this 9/10 and I think you should definitely try their other slides. They have many more designs which are catching my eye. I think I will definitely buy from them again. Okay, now we have something super interesting which is all around bamboo. So the brand itself is called Bamboo India and I love the name because jab naam se pata chal jata na what they sell, it's one of the best ways to market. So how this is supposed to work is ki yahan pe phone insert karna hai and the shape of the object is going to amplify the sound. This is full volume on my phone. हंड्रेड परसेंट एक डिफरेंस तो है. आई एम जस्ट नॉट श्योर कि वॉल्यूम में कितना इंक्रीज है. अभी तो मुझे 20% इंक्रीज ही लग रहा है. आई थिंक इट्स अ गुड आइटम टू हैव लाइंग अराउंड अ हाउस बिकॉज इसमें यू डोंट नीड एनी ब्लूटूथ, यू डोंट नीड एक्स्ट्रा बैटरी, यू कैन प्ले सॉन्ग्स ऑन फ्लाइट मोड इज वेल एंड दिस वॉज फॉर 350 रुपीज ओनली. वन थिंग टू नोट इज दैट साइड से थोड़ा पेंट कम ओपेसिटी का है. द लास्ट फैशन ब्रांड जो मेरे पास है इज हार्ट अप माई स्लीव्स. ये मैंने अभी परचेज नहीं किया, ये एक्चुअली मैंने ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले परचेज किया था कोमल पांडे एंड साक्षी शिव दसानी को देखकर, बिकॉज आई थिंक शी हैड टैग देम एंड आई लव हाउ दे वुड जस्ट स्टाइल लाइक वन स्लीव. बहुत ही स्टेटमेंट लगते हैं. आई लव प्लेइंग विद फ्लेयर स्लीव्स एंड ड्रामेटिक स्लीव्स. नाउ व्हेन आई एक्चुअली एंड अप वेयरिंग देम, मुझे एक प्रॉब्लम ये फेस होती है कि जब मैं एक स्ट्रैपी टॉप पहनती हूँ सो देयर इज ऑलवेज थोड़ी सी स्पेस टॉप के और स्लीव के बीच में. दिन दिस चेंज द लुक ऑफ द टॉप कम्प्लीटली एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इनके पास ना बेसिक कलर्स है लाइक वाइट एंड ब्लैक एंड ये दोनों कलर्स ना सबके साथ चले ही जाते हैं. सो दैट इज़ वाई आई थॉट कि ये सस्टेनेबल फैशन के टूवर्ड्स एक बहुत ही अच्छा स्टेप है बिकॉज आप सेम चीज़ को मल्टीपल तरीके से स्टाइल कर पाते हो. एंड आई थिंक दिस वॉज देयर इन द शार्क टैंक पिच. ये वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स है जो मैंने डिस्कवर किया था इन टर्म्स ऑफ फैशन रिसेंटली बिकॉज ये बहुत ही फ्रेश कॉन्सेप्ट है. एंड आई गिव दिस 9/10 ओनली बिकॉज ऑफ माई फिटिंग इशू कि ये जो गैप रह जाता है ना बिटवीन माई स्ट्रैपी टॉप एंड दिस, that's the only thing. Even the pricing is quite fair. जो टॉप मैंने पहना ना वो टॉप ही कुछ 1000 या 1500 का है. सो इफ इन 1000 रुपीज मैं मेरे सारे टॉप्स को एक नया लुक दे सकूँ देन वॉट बेटर दैन दैट. मैंने अलग अलग लेंथ्स भी देखे लाइक अ लॉन्ग स्लीव इफ दैट्स व्हाट यू प्रिफर. सो आई थिंक आई एम गोइंग टू बाय मोर स्लीव्स फ्रॉम देम एंड दे ऑल्सो गेट अ थम्स अप. इफ यू आर ऑल्सो अ 90s kid, then Pepsi Cola is something जो हम सब ने खाया हुआ है, ज़्यादा पिया हुआ है. वन ऑफ माई फेवरेट मेमोरीज फ्रॉम चाइल्डहुड. तो वेन आई सॉ समथिंग लाइक दिस
I was so excited. So basically, this is also Pepsi Cola, but I think it's a healthier version because they're claiming this is 100% natural. 12 sticks ke liye, the cost is 240 rupees. I mean, I know wo 1 rupee, 2 rupee milta tha, but see, that was something different. Wo, I think, branded nahi hota tha. This is something that they've put in a lot of effort in. And especially if this is natural, toh ye cheeze expensive ho hi jaati hai. Still, I think this is on an affordable side considering other things that I've seen, jo popsicles hote hai, wo isse kaafi expensive aate hai. They range for 60 to 100 rupees per ice cream. Ooh, I don't think mere freeze hue hai puri tarah se. Freeze up to 8 hours. I have frozen them only for 5 hours? I think 4-5 hours. But ek to khol ke taste kar hi sakte hain. Let's go for orange. I wonder if this will make my tongue go orange. Oh my god. They have nailed the flavor. Considering that whatever they've written is true, iska taste bahut similar hai to bachpan wala Pepsi Cola. Wow, 10 out of 10. Again, I think you should start with jo maine liya wahi wala jisme sare 6 ke 6 flavors hai, and then if you loved only a particular flavor to fir aap pura box of uska le sakte ho. But this will be so damn good in summers. Itna refreshing lagega, you have to try this. And the last thing is this drink which is called NOCD, no carbs drink. ये कब से मैंने फ्रिज में पड़ा है. एंड द पैकेजिंग इज समथिंग ना जो एक बहुत ही टिपिकल एनर्जी ड्रिंक वाला वाइब है, इसलिए आई डिड नॉट गेट अट्रैक्टेड टू इट. बट नाउ दैट आई एम रीडिंग कि इसमें कोई कार्ब्स नहीं है एंड दिस हैज़ BCAA, आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू ट्राई दिस बिकॉज माई बॉयफ्रेंड कुमार, ही लव्स ऑल दिस स्टफ लाइक कोक ज़ीरो एंड रेड बुल का दूसरा मुझे आता है शुगर फ्री वाला. वर्चुअल चीयर्स. Oh my god. Sorry, but I don't like this at all. At least the first sip is not nice. Soy ka bahut taste hai isme. And that's not normal in an aerated drink. I can just smell that nasi goreng. Is this gone bad? Because maine ye ek mahine pehle manga ke rakha tha. 17 July 21. It's from It's fine. I definitely did not order this in 2021, but iske niche likha hai 17 July 21. To ye tab ka hai and best before 12 months. To kharab nahi hua hai, but it does not smell nice. I'll take one more sip to be fair. Tastes little better now. Little. But I don't think Kumar is going to like this. ये मुझे नहीं पसंद है, I'm sorry. This particular flavor gets a thumbs down from me. But if any of you liked it, then let me know in the comment section. But this was it. This was me trying Shark Tank India featured brands and products. बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे ये सब अतरंगी चीज़ें try करने में and to see what's new in store for us as customers. So let me know in the comment section below if you want a part 3, then do like this video. If you did not enjoy watching this video, bindaas give it a thumbs down. I will see you in a brand new video very, very soon. Until then, goodbye.